मैं शगुन, रूही बला की माता। हाँ, आपका केस आया था, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपके लॉयर ने आपको बताया नहीं कि किसी जज से जाके पर्सनली मिलना टैम्परिंग विद लॉ होता है? I'm really sorry, but it was urgent. जो भी है, आप ऑफिशियल चैनल से आइए। देखिए मैम, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगी मैं करूँगी। आपने मेरे खिलाफ जो फैसला लिया था वो फैसला गलत है। क्या कहना चाहती हैं आप? आपने मेरी बच्ची को मेरे गोद से उठाकर मेरे एक्स हस्बैंड के हाथ में दे दिया था, रमन कुमार बल और उसकी न्यू वाइफ इशिता बल, क्योंकि आपको लगा था कि वो दोनों मेरी बच्ची के लिए बेटर पेरेंट्स हैं। लेकिन मेरे लाख मना करने के बाद भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। रमन और इशिता अलग हो चुके हैं, उनकी शादी टूट चुकी है। मेरी बच्ची के मिलते ही उन्होंने अपनी इस फेक मैरिज को खत्म कर दी। पहले तो बड़ी ममता दिखा रही थी इशिता, अब सबको दिख रहा है कि वो सब एक नाटक है। उन्होंने ये सब मेरी बच्ची को मुझसे छीनने के लिए किया। मैम, आपने कहा था कि आप हर 6 महीने अपने जजमेंट को दोबारा रिव्यू करेंगे। प्लीज आप वेट मत कीजिए, आप खुद अपनी आंखों से वहां चलकर देख लीजिए कि वो लोग किस किस्म के लोग। प्लीज आप मुझे मेरी बेटी वापस दिला दीजिए। बिलीव मी, आई कांट लिव विदाउट माय डॉटर, प्लीज। ठीक है, मैं खुद चल के देखूंगी कि सच्चाई क्या है, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू। शगुन आइए ना, आप लोग आइए प्लीज। पापा ये मिस्टर भल्ला, मैं यहाँ पे आपकी वाइफ से मिलने आई। कहाँ है वो? अरे रोमी, पानी ले आए इनके लिए? नहीं, पानी नीचे। आप मुझे कोर्ट विजिट पर ही समझिए, मैं यहाँ पे चाय ठंडा पीने के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इशिता कहाँ है, जिसे मैंने खुद बच्चे की कस्टडी दी थी। एंड प्लीज ये मत कहिएगा कि वो क्लिनिक पे है, क्योंकि मैं वहाँ से होकर आ रही हूँ। नहीं नहीं, क्लिनिक क्यों जाएगी वो, अब तो अभी इशिता। क्या ये सच है कि आप और इशिता इस वक्त अलग हो गए हैं? क्या आपने सिर्फ बच्चे की कस्टडी लेने के लिए शादी की थी और अब आप लोग साथ नहीं रहते? नहीं नहीं, ऐसे कौन कौन ये रूमर फैला रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स नॉट ट्रू। चलिए अच्छा, आप भी जल्दी आ गए, अम्मा ने गर्मा गर्म बड़ा भेजे हैं। आप लोग आप यहाँ? I'm so sorry, मैंने देखा ही नहीं। शगुन आप भी? आपने बताया नहीं मुझे कि खाने पे और भी लोग आने वाले। मैं और अच्छे से अरेंजमेंट करती ना सब खाने की, बट नो वरीज, आप आइए ना, बैठिए ना। मैं अम्मा से और मंगवाती हूँ बड़ा सांबर, अम्मा टेस्टी बड़ा बनाती है, आइए ना। आई एम सॉरी, मैं एक बात पूछूं, हमें मिलना था क्या आज की डेट पे? आई मीन कस्टडी रिव्यू था क्या? बिकॉज आई एम सॉरी, हम दोनों भूल गए। नहीं, वो बात नहीं थी। वही तो मुझे लगा, क्योंकि हमें 6 months के बाद में रिव्यू करना था, राइट? अभी तो टाइम ही नहीं था मिलने का, बट इट्स गुड कि आप लोग आ गए। इनफैक्ट आपने क्यों तकल्लुफ किया, आप हमको बुलाते हम आ जाते, है ना रमन? हाँ, लेकिन अगर ये लोग नहीं आते तो फिर इतने टेस्टी बड़ा सांभर मिस कर देते। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं ये दो। क्या मतलब? हाँ मैम, इशिता के माँ बाप यही रहते, ये दोनों अब साथ नहीं रहते। इशिता अपने घर पे रहती है और रमन यहाँ, आपको आते देख लिया होगा इसलिए कोई प्लान बनाया होगा। All of this is so made up. ऐसे थोड़ी ना होता है कि करेक्ट टाइमिंग पर प्लेट लेकर चले आए। It's all a lie. रे शगुन, क्या बात कर रही हो, क्यों इन्हें परेशान कर रही हो तुम? Really? तो जब मैम ने पूछा था कि इशिता कहाँ है, तो तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई थी? Yes, Mr. भल्ला, मेरे पूछने पे आप चुप तो हो गए थे, क्या चल रहा है यहाँ पे? दरअसल वो मैम, एक काम करते, इनके पड़ोसियों से पूछते कि सच क्या है, उन्हें डेफिनेटली पता, क्योंकि वैसे भी इस बिल्डिंग में कोई अपने काम से काम नहीं रखता। ठीक है, चलिए मिस्टर भल्ला,
मुझे ये कार्यवाही तो करनी ही पड़ेगी। आप बस ऐसे ही शक कर रही हैं। ये मैं तय करूंगी श्वेता। Oh my God, ये जज तो यहाँ भी पहुंच गई। बल्ला जी, कुछ करें। अगर ये शगुन इस जज को लेकर पड़ोसियों के चली गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सुबह ही मद्रासियों से झगड़ा हुआ है, सारी बिल्डिंग ने देखा था। बल्ला जी, क्या कह रहे हो तुम? आज फिर आपने झगड़ा किया इनके साथ? ओ, मेरी किस्मत फूटी। मैंने मद्रासन को और उसकी बच्ची को देखा तो बस मेरी मत मारी गई थी। बड़ी मुसीबत हो जाएगी बल्ला जी, रब तवास्ता कुछ करो बल्ला जी। सबकी बोलती बंद हो गई है। एक्चुअली मैं इनकी पूरे सोसाइटी वालों को जानती हूँ। एक काम करते हैं, मैं ही आपको उनसे मिलाती हूँ। जज साहब, आप हमारे पड़ोसियों से क्यों मिलना चाहती हैं? आप जानती हैं, आप देख चुकी हैं कोर्ट में कि शगुन और अशोक कैसे कैसे पैतरे इस्तेमाल करते हैं मुझसे मेरी बच्ची को छीनने के लिए। हमसे हमारी बच्ची को छीनने के लिए। ये सारा कुछ इसी के दिमाग का खुराफा था। पर मेरी बीवी मेरे साथ क्यों नहीं रहेगी? यहाँ खड़ी है, हम साथ रहते हैं, इसी घर में रहते हैं। अब आप पड़ोसियों के पास जाएंगी, उन्हें लगेगा बेकार में देखो मियां बीवी का झगड़ा हो गया। बेकार तमाशा होगा, नाम खराब हो जाएगा। क्यों आप ये बदनामी करना चाह रही है जब कोई बात ही नहीं है? रमन ठीक कह रहा है सर, आपको तो अपनी ड्यूटी निभानी है। पड़ोसियों को क्यों इन्वॉल्व करना? वो लोग तो खामखा की बातें बनाएंगे। और फिर आप ही ने कहा था ना कि हम सब बड़ों के माइंड गेम्स के कारण रूही पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब जब ये सब ड्रामा होगा, आपको नहीं लगता कि उससे रूही पे काफी असर होगा? इट्स नॉट गुड फॉर हर। हां जज साहब, बड़ी मुश्किल से हमारी बच्ची उस सदमे से उभरी है, दोबारा ये सब देखेगी तो। ओह माय गॉड, ये सारी लाइंस कितनी रिहर्स लग रही हैं। प्लीज बंद करिए ड्रामा। मैम, साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं। देखिए मिस्टर भल्ला, ये कोर्ट का नॉर्मल रिव्यू है, पड़ोसियों को कुछ बताना थोड़ी है। मैं सिर्फ उनसे कुछ सवाल करूंगी। मिस्टर भल्ला, मैंने पहले ही कहा था कि रूही सिर्फ उन लोगों के साथ रहेगी जो उसे प्रॉपर माहौल देंगे, लेकिन रिव्यू तो होगा ही, और अगर उस रिव्यू के बाद हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो उस केस में बच्ची उसकी माँ को दे दी जाएगी। आखिर वो भी उसकी माँ है, उसने भी उसका कुछ भला ही सोचा होगा। देखिए, लेकिन आप सिक्योरिटी जाके कॉलोनी की कुछ औरतों को बुला के लेके आओ। मैं मिसेस प्रीति श्रीवास्तव, मैं फैमिली कोर्ट की जज हूँ। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। हाँ मैडम जी, मैंने बता दी। मिसेस भल्ला, आप प्लीज कोर्ट के मामलात में दखल मत दीजिए। देखिए, मैंने ही रूही का कस्टडी केस प्रिसाइड किया था। मैं आप लोगों से सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मिस्टर रमन भल्ला और इशिता के बीच का आपसी रिश्ता कैसा है और उनका रूही के प्रति क्या रोल है। इन दोनों के बीच कोई तनाव या आपसी झगड़ा जो आप लोगों ने देखा हो? ओ देखो जी, ऐसा है कि दो बर्तन साथ में होंगे ना तो खड़क नहीं है। और फिर इनका तो वो मद्रासी ते पंजाबी वाला चक्कर भी है ना। हाँ, लेकिन प्यार भी तो उतना है। इतना प्यार है कि साथ में हमने बैसाखी मनाई और तमिल न्यू ईयर भी, और तो और रमन ने तमिल भी सीखी और स्टेज पे जाके सारे आंदे सामने उन्ने साड़ी इशिता नू तामिल वेच रोमांटिक गल्लां भी कहियां। दसो ना भाभी जी, दसो ना। अरे बड़ा स्वीट सा था, रोमांटिक सा था, और हमने याद नहीं है पूरी गॉसिप की थी उनके बारे में। आप रिव्यू ही लिख रहे हो ना, तो रमन और इशिता दीते निकल पाई उन्ना दीते बल्ले बल्ले। ओए होए, रोमांस भी नवा नवा, मैं ते बड़े ही चक्कारे लेनी आ। ओ सॉरी तोशी, थोड़ी बहुत लेडीज गॉसिप कर नहीं गया ना वो उस दिन बारिश में? ओ बड़ा गले शले मिल रहे सी है। ओ जी, इशिता तो क्लिनिक जाते हुए रूही को स्कूल छोड़ जाती है, पर कभी कभी तो अपना रमन भी आउट ऑफ द वे जाता है दोनों माँ बेटियों को छोड़ने।
मुझे इशिता को रूही को कितना प्यार करती है, उस बच्ची को उसकी सगी माँ तो बिलखता हुआ छोड़ के चली गई, और इशिता है वो तो उसके माथे पे शिकन तक नहीं आने देती जी। अब आप ही बताइए, जिसकी वाइफ इशिता जैसी हो वो उसके पैर धोके नहीं पिएगा तो क्या करेगा? क्या उसे छोड़ देगा लोगों की बातों में आके? नहीं ना, है ना रमन, मैं सही कह रही है ना? कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, ऑब्वियसली मैं इशिता को कैसे जाने दे सकता, कभी नहीं।